साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं। तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एमएमटीएस प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है। आज भी यहां 13 एमएमटीएस सर्विस शुरू हुई है। एमएमटीएस का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और दो देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत, 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे, इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच
रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अकलकोट कर्नूल सेक्शन को, 1300 करोड़ की लागत से महबूब नगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो, केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है।